तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये सारी डिटेल्स हमने मनोज जी के साथ शेयर की। अगर आपको हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी तरह की पूरी डिटेल्स प्रॉपरली एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फ्रॉम जीरो टू हायर लेवल सारी चीजें जाननी है तो कॉल करिए नीचे दिए गए नंबर पर 9111001234। कॉल करिए गाइज, ये सारी टेक्निकल स्किल्स, इंडिया का बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, इंडिया का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिविल गुरु जी। हेलो इंजीनियर्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम डिटेल पर बात करने वाले हैं रियल साइट एग्जीक्यूशन के पार्ट के बारे में कि जो हमारे वर्कर्स का पार्ट होता है। आज तक हमने कभी भी इस तरह का वीडियो नहीं बनाया कि जो वर्किंग हमारा जो ऑर्डर है, क्योंकि उनके बिना जो वर्कर्स हैं उनके बिना हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एकदम अधूरा है, उनके बिना हम कोई भी तरह का काम नहीं कर सकते। तो आज हम उनसे डायरेक्टली बात करेंगे। मैं साइट पर आया हूँ, हमारे सुपरवाइज़र मनोज जी हमारे साथ हैं और वो आपको आज डिटेलिंग उनके पार्ट के बारे में समझाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया देंगे कि हमको चेक तो हमको करना होता है लेकिन जो वर्कर्स का जो एक्चुअल काम है, उनकी जो एक्चुअल एफिशिएंसी है, उनको कितना वक्त लगता है कौन सी चीज़ को करने में, उसके बारे में आज आपको डिटेल पे जानकारी मिलेगी। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, उस वीडियो को देखने में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या एक्चुअल साइट का एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है, क्योंकि जिस स्लैब पर हम अभी खड़े हुए हैं वो अभी रिसेंटली ही कास्ट हुआ और इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग हम समझने वाले हैं कि क्या इसका पार्ट है, क्यों इसको लिया जाता है, और मनोज भी हमको बहुत सारी चीजें डिटेल पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए मैं आप सभी के बीच इनवाइट करता हूं हमारे सुपरवाइजर साइट के मनोज जी। हेलो भैया। नमस्ते जी। तो भैया सबसे पहले जो हमारा पार्ट है एग्जीक्यूशन का हम बात करते हैं, तो जो वर्किंग पार्ट है, जो वर्कर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि उनके बिना जो हमारी इंडस्ट्री ऑब्वियस सी बात है वो आगे नहीं बढ़ सकती, आगे नहीं चल सकती। तो ये जो हमारा वर्कर्स का पार्ट है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, वर्कर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में हमारे साथ हैं? जी ज़रूर। सबसे मेन बात तो ये है कि जो वर्कर हैं अपने काम अच्छे ईमानदारी से, सबसे मेन बात होता है कि कास्टिंग से पहले जो सेंटरिंग के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, सबसे मेन होता है लेवल का काम। बिना लेवल के हम काम को उसके सही अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए सबसे मेन होता है कि हमें लेवल पे विशेष कर ध्यान देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, लेवल्स, लेवल ट्रांसफ़र करना, लेवल शिफ्ट करना, लेवल चेक करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है, कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हम रोड की बात कर ले चाहे बिल्डिंग की बात कर ले, डैम, ब्रिज, एनीथिंग, अगर आपने लेवल सही से ट्रांसफ़र नहीं किया है, लेवल सही से चेक नहीं किया है, तो आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन एक अलग फॉर्मेट में जाने वाला है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमने भैया से लिया मनोज जी से वो ये है कि लेवल ट्रांसफ़र, लेवल चेकिंग, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहूँगा, वन बाय वन हम बात करेंगे पार्ट में, कि जैसे हम बात करिए पूरे स्लैब के पार्ट की जी, तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम तो हमारा ऊपर आ गया, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर हम बात करें कि कॉलम की कास्टिंग में जी, ये जो कॉलम जिसमें हमारे टोटल कॉलम्स अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो यहाँ चार जी, पंद्रह कॉलम है, ठीक है ना। 15 कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो इसके रेनफोर्समेंट को लगाने में है ना, इसकी जाली को लगाने में कितना दिन का वक्त लगा होगा? जैसे कॉलम की, कॉलम खड़ा करने में तो लगभग 2 दिन का काम होता है कॉलम खड़ा करना जी। और कॉलम होने के बाद जैसे कि अभी हमारा स्लैब हो चुका है तो सबसे मेन, सबसे पहला काम होगा हमारा स्टार्टर लगाना। कॉलम को उसके सही स्थान पे लगाने के लिए हमको सबसे पहले स्टार्टर का उपयोग किया जाता है जी। और फिर उसमें फर्मा लगते हैं, कॉलम के फर्मा जो 8-8 फीट के फर्मा लगेंगे, उसमें मान लीजिए हमें कम से कम एक दिन में हम 5 से 6 कॉलम को हम कंटिन्यू कॉलम अगर करते हैं तो ये 15 कॉलम हमारे 3 दिन में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो अब इस कॉलम को मतलब हमें समझ लेते हैं कि एक हफ्ते का काम है अगर हम कॉलम के कास्टिंग तक की बात करें जी। जब कॉलम की कास्टिंग हो जाती है तो जो हमको फर्मा निकालना पड़ता है उसको हम गाइस शटरिंग कहते हैं डिटेल पे, उस शटरिंग को निकालना होता है, तो कॉलम के केस में कितने दिन का वक्त हमको लेना पड़ता है कास्टिंग के बाद शटरिंग निकालने के लिए? जैसे कॉलम के लिए हम लमसम 12 घंटे के बाद भी, 8 घंटे के बाद भी हम कॉलम के फर्मा निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि खोलने के लिए थोड़ा सावधानी से उसे खोलना पड़ता है ताकि ज़्यादा डैमेज ना हो। क्लियर, एकदम, वेरी गुड। तो
तो अब जब हमारा कॉलम कास्ट हो गया प्रॉपरली, हम बीम में भी उतना ही वक्त लगता है नियर अराउंड कास्टिंग में सारी चीज़ें, लेकिन जो जो भी इंजीनियर्स हैं जो न्यू अपकमिंग है उनका क्या रहता है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कम रहता है, जो स्लैब उनके लिए बहुत बड़ा पार्ट होता है कि स्लैब को समझना, स्लैब का अंडरस्टैंडिंग समझना। तो सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि जो हमारा स्लैब एरिया है पूरा जी, उसका पूरा स्लैब एरिया कितना है? ये हमारा 42x80 का स्लैब है, टोटल 3300 स्क्वायर फीट हमारा पूरा एरिया हो गया। 3300 स्क्वायर फीट हमारा स्लैब एरिया। इंजीनियर्स एकदम ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को कि अगर हम एक यूनिट का निकालना चाहें पूरी वर्किंग एफिशिएंसी तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा प्रॉपरली। तो जो हमारा 3300 स्क्वायर फीट का जो स्लैब एरिया है, अगर मैं इसमें बात करूँ कि सबसे पहला काम हुआ होगा हमको शेंटरिंग लगाना है, शटरिंग लगाना है, तो इसमें पूरा कितना दिन का वक्त लगा आपको शेंटरिंग लगाने में? शेंटरिंग लगाने में हमें 2 हफ्तों का वक्त, 15 दिन का समय लगा है। और इसमें हमारा जो लोहे का जो वर्क हुआ है वो 6 दिन में हमने पूरा किया है। मतलब जो इसका पूरा सेंटरिंग का पार्ट लगा है वो 15 दिन का वक्त लगा है, क्योंकि हमको पूरा सेंटरिंग बांधना है स्लैब के लिए पहले। तो सेंटरिंग बांधने के बाद जो हमारा रिइंफोर्समेंट का काम होता है, यानी कि रिइंफोर्समेंट का मार्किंग लगाना, बार का कटिंग करवाना, बार को प्लेस करना, बेंड करके प्रॉपरली बाइंड करने में उनका पूरा का पूरा 6 दिन का वक्त लगा है इस स्लैब के पूरे डिटेल पर काम करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि सेंटरिंग तो हमको लगाना है, तो इंजीनियर्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटरिंग लगाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे मेन पॉइंट होता है लेवल, लेवल के अनुसार ही सभी काम किया जाता है। और छोटी मोटी चीज़ें बहुत सी होती है जो इसमें ज़्यादा परख देखना पड़ता है, जैसे बीम में हमारा लेप सही हो, रिंग अपने स्थान पर हो, अपना कटल बार जो लगते हैं वो भी सही हो, इन सब चीज़ों का मेन ध्यान देना पड़ता है। और हमारे जो मेन जो जाली बिस्ती स्टील लगाते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ को देखा जाता है और इसको सही स्पेस में इसको लगा के मार्क्स के हिसाब से इसको बैठाया जाता है जी। इन सब चीज़ों का विशेष कर ध्यान देना पड़ता है। और सबसे मेन बात होती है कवर, जो हमारे स्लैब और जो हमारे स्टील बार जो लगे हैं उनके बीच कवर सही हो, जो हमारे सेटरिंग पे ना चिपके, जिससे नीचे हम जब सेटरिंग खोलते हैं तो लोहा कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि ध्यान नहीं दिया जाता तो नीचे से हमें लोहा नज़र आता है, तो ऐसी सब गलती ना हो। Correct. इस चीज़ का हमें विशेषकर ध्यान देना पड़ता जी, है। एकदम सही बात सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। ये जो सारी चीज़ें हैं हम आपसे डील करते हैं और वही चीज़ें जो हमें यहाँ से पता चल रही हैं, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट बेसिक है, कॉमन सी चीज़ें ये, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा लगता है यार ये कितनी बड़ी चीज़ें हैं, हमने क्यों, ये आप लोगों के लिए बड़ी लगती है क्योंकि आपने इस पर ट्रेनिंग नहीं की, आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आप ये सारी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर लें, साइट पर जाकर अंडरस्टैंड कर लें, आपके पास एक ऐसा मेंटर हो, ऐसा गाइड हो, ऐसा गुरु हो जो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दे, तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है इन सारी चीज़ों को समझना। तो और भी मनोज जी, मैं आपसे और कुछ कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा ऑब्वियसली आपसे बात करते हुए, चीज़ों को जानते हुए जी जी। तो जब हम बात करते हैं कि अभी तो हमने समझ लिया 15 दिन का वक्त लगा हमको, 6 दिन लोहा बांधने में लग गया, हमको किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले हमने किया ऑयलिंग होना चाहिए हमारे पूरे शटरिंग में जी जी, कवर प्रॉपरली होना चाहिए, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग प्रॉपरली हमको पता होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ क्रैंक आ रहा है, कैसे क्रैंक आ रहा है, उसको हमको ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हमको। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है कास्टिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कास्टिंग ही प्रॉपरली नहीं हुआ तो इतना सारे काम का वो मतलब नहीं रह जाएगा जी, जी। तो कास्टिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इंजीनियर्स को, वो सबसे जानना चाहेंगे आप। कास्टिंग में खासकर ये देखा जाए कि हमारा जो मटेरियल है, जैसे कि रेती गिट्टी, इनकी मात्रा सही अनुमान में हो और माल जो ज़्यादा सूखा ना हो, लचीलापन हम लोगों में कहा जाता है कि लस माल है, लस मटेरियल का जो लसपन वो रहना चाहिए, और समय समय पे वाइब्रेटर का उपयोग होना चाहिए जिससे कि हमारा स्लैब में मजबूती आ सके और सही शॉट अपना मटेरियल एक जगह सेट हो सके करें। और जब हम कोई भी पार्ट लेते हैं, चाहे हम पूरा स्लैब कास्ट कर रहे हों, चाहे हम 3300 स्क्वायर फीट का स्लैब कास्ट किए, चाहे हम कोई भी एक एरिया कास्ट किए जी जी, तो कितना दिन लगता है कास्टिंग पूरा होना? जैसे कि कास्टिंग को तो हमें चाहे जितनी एरिया का स्लैब हो, अगर हम उसको कंटिन्यू ही हम कास्टिंग करें बिना रुके, तो वो स्लैब मजबूती आती है, उसकी पकड़ सही होती है और
मेरे अनुमान में तो एक ही दिन में ही जित एरिया को स्लैब कास्ट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस स्लैब के कास्टिंग के टाइम, हमको अगर हम पार्ट वाइज भी कास्ट कर रहे हैं तो वो पार्ट वाइज होना चाहिए, एक दिन में पूरा एक बार में कास्ट होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा स्लैब एरिया है तो हम उसको पार्ट वाइज भी करते हैं, लेकिन कभी भी काम कंटिन्यू होता है, हम बहुत बड़ा स्लैब एरिया होता है तो काम कंटिन्यू भी होता है। अगर आपका छोटा स्लैब एरिया तो वन टाइम में कास्टिंग होना चाहिए आपको वो सारे एरिया को, जब हम कास्टिंग की बात करते हैं तो। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे, चलिए कास्टिंग तो हो गया, जो इंजीनियर्स को भी एक छोटा सा डाउट होता है, हम तो उनको गाइड करते ही हैं लेकिन आज वो डायरेक्टली आपसे सुन रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा उनको मतलब कनेक्टेड फील हो रहा होगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये बात करूँगा कि हमने कास्टिंग तो कर लिया पूरा, है ना, कास्टिंग कर लिया। अब कास्टिंग के बाद जब हम इसको इसका सेंटरिंग खोलना है, शटरिंग पूरा खोलना है, तो उसको खोलने के लिए कितने दिन का वक्त लेना पड़ता है कास्टिंग के बाद? कम से कम तो चाहे छोटी कास्टिंग हो चाहे बड़ी कास्टिंग हो, कम से कम उसे 21 दिनों के बाद ही उसको खोलने की कोशिश करें, उससे पहले ना खोलें। ओके जी, तो 21 डेज इज द मिनिमम टाइम्स। क्लियर गाइस? तो जब हम स्टैंडर्ड्स की भी बात करते हैं वो भी हमें कुछ नियर अराउंड इसी जगह पर लेकर जाते हैं। क्लियर? कि जो स्लैब का कास्टिंग है वो उसके लिए हमको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगता है प्रॉपरली। क्लियर? हमको उसका सेंटरिंग और शटरिंग खोलना है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, कि मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया है? जी 15 साल से ऊपर। 15 साल से आप पूरे हमारे इंडस्ट्री में हैं जी। तो 15 साल से मनोज जी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री में। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्कर्स, उनके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे दिल से ये दुआ निकलती कि हमेशा वो इसी तरह से ग्रो करते रहे, क्योंकि उनके बिना हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी तरह से काम नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इनका जो पार्ट है, इनकी जो वर्कर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इस खास चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी वर्कर्स हैं उनका हमेशा ग्रोथ होता रहे। अगर आप अपने वर्कर्स की ग्रोथ करेंगे तो आपकी कंपनी अपने आप ग्रो करेगी, अगर आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट ज़रूर होगा। तो इंजीनियर्स ये सारी पार्ट को हमेशा ध्यान रखें, जो हमारा वर्कर्स पार्ट है उन पर हमेशा अपने ध्यान रखते जाएं। और जो पूरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया प्रॉपरली, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी। और इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें पता चली, अगर आपको हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी तरह की पूरी डिटेल्स प्रॉपरली एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फ्रॉम जीरो टू हायर लेवल सारी चीज़ें जाननी है तो कॉल करिए नीचे दिए गए नंबर पर 9111001234। कॉल करिए गाइज, ये सारी टेक्निकल स्किल्स, इंडिया का बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, इंडिया का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आपकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, आपके हर एक पार्ट को ग्रो करने के लिए सिविल गुरुजी हमेशा आपके साथ रहेगा। तो बिल्कुल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।